हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आप घर पे रोज़ वाटर कैसे बना सकते हैं। ये बाहर के रोज़ वाटर से काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है एंड बहुत ही इजी है। उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए रोज़ेस। मैंने उसकी पेटल्स को तोड़ लिया है एंड एक बड़ा सा बर्तन हमें चाहिए एंड एक छोटा बर्तन चाहिए। अब हम इस बर्तन को इस तरह से अरेंज कर देंगे, देन फिर ये रोज़ के जो पेटल्स हैं उसमें हम ऐसे डालेंगे। फिर उस पेटल्स के ऊपर हमें एक गिलास पानी डालना है, देन फिर गैस की फ्लेम को हमें 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे रखना है। उसके बाद एक ढक्कन से हम इसे ढक देंगे। अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट लीड है तो वो ज़्यादा बेटर है। फिर उसके बाद हम इसकी आंच को धीमा कर देंगे। इसके ऊपर अब हम लोग रखेंगे बर्फ़। ये मेरे पास क्रश किया हुआ बर्फ़ था तो मैंने ये यूज़ किया। अगर आपके पास क्यूब्स है तो आप क्यूब्स भी इसके ऊपर लिड के ऊपर रख सकते हो। इससे हमारे प्रोसेस थोड़ा फास्ट होगा। अब हमें इसे 20 से 25 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। फिर उसके बाद जब 20 से 25 मिनट हो जाएंगे तो हमें इसका लिड हटाना है एंड देन फिर आप देखोगे मैजिक। उस छोटे वाले कटोरे में आपको जो पानी दिखेगा वो है हमारा ओरिजिनल रोज़ वाटर। आप देख सकते हो कि रोज़ेस की हालत कुछ ऐसी है। तो इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसकी बहुत बड़ी यूज़ है एंड इस पहले तो इसे हम अच्छे से छान के अलग कर लेंगे एंड इसे आप अगर आप लिप्स पे यूज़ करते हो तो आपकी लिप्स नेचुरली पिंक होगी। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है एंड इसे हम फेस पैक बना सकते हैं। तो चलिए मैं फेस पैक बनाना सिखाती हूँ। आप 2 चम्मच रोज़ वाटर लोगे। 2 चम्मच रोज़ वाटर में मैं ऐड कर रही हूँ मुल्तानी मिट्टी, जो कि हमारे फेस के लिए बहुत ही अच्छा है। फिर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मुलेटी पाउडर, जो कि आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ये हमारे फेस के लिए बहुत ही अच्छा है, ये स्किन ग्लोइंग के लिए बेस्ट है। फिर इसमें मैं ऐड करूँगी टर्मरिक पाउडर। आप किचन वाली हल्दी मत यूज़ करना क्योंकि उसमें कलर्स होते हैं, वो सिर्फ आपकी स्किन को पीला करते हैं। सो आप वाइल्ड टर्मरिक लेना, ओके, एप्सकोट का या और अच्छे ब्रांड का कोई, आप वो टर्मरिक वो हल्दी लेना। फिर इसमें हम ऐड करेंगे लेमन, जो कि फुल ऑफ विटामिन सी है, जो कि हमारे फेस को नेचुरली ब्लीच करता है। नाउ माई फेस इज़ रेडी। अब मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इस मिक्सचर को, इस पेस्ट को मैं अपने फेस पे स्पून की हेल्प से लगाऊंगी। अगर आप स्पून से लगाते हो तो ये बहुत अच्छे से आपके फेस पे अप्लाई होता है। आप इसे ब्रश से भी लगा सकते हो या फिर अपने फिंगर से भी, लेकिन मैंने यहाँ स्पून का यूज़ किया है। इसे मैं अच्छे से अपने फेस पे, पूरे फेस पे मैं अप्लाई कर लूँगी। इसे मैं अच्छे से अपने फेस पे, पूरे फेस पे मैं अप्लाई कर लूँगी। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड पीछे से अद्विक भी बोल रहा है कि इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, तो प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। तो मैंने अपने फेस पे इसे अच्छे से अप्लाई कर लिया है, लेकिन बहुत लोग ये गलती करते हैं, नेक के एरिया को छोड़ देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, चाहे मेकअप हो या फेस पैक हो, आपको अपने फेस एंड नेक के साइड को भी ज़रूर कवर अप करना है। इससे आपका फेस आपके नेक से डिफरेंट नहीं लगेगा। सो गाइस, आप देख सकते हो मैंने अच्छे से पैक को अप्लाई कर लिया है। नाउ मैं इसे 20 से 25 मिनट्स के लिए अपने फेस पे एज इट इज़ छोड़ दूँगी। फिर 25 मिनट्स के बाद आप देखोगे कि पैक ओनली 30% ही सूखा है, क्योंकि अभी विंटर्स है, सर्दी का मौसम है, तो पैक्स जल्दी नहीं सूखते। अब मैं इसे डायरेक्टली पानी से वॉश नहीं करूँगी, पहले मैं पूरे फेस को इस तरह से यूज़ करूँगी, उसके बाद फिर मैं इसे वाटर से, ठंडे पानी से या नॉर्मल वाटर से मैं इसे वॉश कर लूँगी। तो मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है नॉर्मल वाटर से एंड गाइस, आप देख सकते हो ये 1 यूज़ में ही कितनी अच्छी इसकी रिज़ल्ट है। आप देख सकते हो मैंने अपने फेस को सिर्फ वॉश करके टॉवल से ही पोंछा है, मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया है एंड आप देख सकते हो इसका रिज़ल्ट कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मेरी जो स्किन है बहुत ही सॉफ्ट एंड शाइनी हो गई है, जो कि आप देख सकते हो एंड रियली आई लाइक डेट। एंड उसके बाद मैं यूज़ करूँगी मॉइस्चराइज़र। कोई भी पैक लगाने के बाद आपको मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। मैंने लैक्मे का एब्सोल्यूट मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है, ये काफ़ी अच्छा होता है एंड फिर मैंने इसे इस तरह से अप्लाई कर लिया। अब आप देख सकते हो रिजल्ट।
अगर वीक में आप दो बार भी इस पैक को यूज़ करते हो ना, उसका रिज़ल्ट आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, एंड लगाने के बाद कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेटा था, बाय बाय, टेक केयर।